हाय गाइस, जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, अभी मैं जा रहा हूँ। आप फ्लिपकार्ट से हो? आपने कल डिलीवरी करी थी? हाँ, आपने कल डिलीवरी नहीं करी थी? ठीक है। नहीं, फेक आईफोन बेच रहे हैं ना फ्लिपकार्ट आजकल, तो मुझे लगा पूछ लेता हूँ। हेलो। सो जैसे मैंने कहा था कि आई विल मेक अनदर वीडियो, सो हियर वी आर। तो मुझे आई डोंट नो हाउ टू एडिट वीडियोस एट ऑल, सो आई एम गोना यूज अ व्हाइट बोर्ड। So our video will have five parts. First, I'm going to talk about the accessories and the box I got. Then I'll talk about the physical review of the phone itself. फिर थोड़ा अंदर सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन देखेंगे जो पिछले वीडियो में नहीं दिखा पाए। Finally, I want to talk about where you should actually buy your phone from, iPhone specifically. And finally, I would love it if you could like and subscribe. So let's get into it. So here we are. इस बारी I have my friend Ayush to help me out with the camera work. विद इज़ वन प्लस एट, सो आई थिंक इट विल बी बेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फ़ोन बिल्कुल ओरिजिनल है। मैंने ये फ़ोन का बॉक्स, फ़ोन का बॉक्स बिल्कुल ओरिजिनल है। मैंने जाके एप्पल स्टोर पे भी चेक कराया। आप अगर सीरियल नंबर देखेंगे तो सीरियल नंबर भी एक एक्चुअल फ़ोन का सीरियल नंबर है जो इस जनवरी ऑफ 2020 में बिका था, एंड इट इज़ अ वैलिड सीरियल नंबर। तो अब अंदर देखते हैं। या देखिए, अंदर ही इंडेंट भी है जो होता है एक्चुअली आईफोन डब्बे में। ये सारा का सारा पेपर वर्क बिल्कुल ओरिजिनल है, जो बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। मतलब ये 10-20 रुपए की चीज़ें हैं, क्या ही होगा इसका तो, बट ये पूरा ओरिजिनल है। यू कैन टेल फ्रॉम दैट। बात है फ़ोन पे, पहले हम एक्सेसरीज बॉक्स पे देखते हैं। मतलब आई शोड यू लास्ट टाइम कि इस इन ईयरपॉड्स का इनसाइड्स ब्लू था। सॉरी, मुझे कमेंट्स पे आए कि एयरपॉड्स नहीं है, ये ईयरफोन्स हैं, बट ये बिल्कुल ब्लू हैं, आप देख सकते हैं। एक और चीज़ में मैंने बाद में नोटिस करी कि अंदर 3.5 mm जैक है। सो ये पॉसिबली असली नहीं हो सकते। ये चार्जर बिल्कुल ओरिजिनल है, एप्पल ने कंफर्म कराया मेरे लिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल चार्जर है, नथिंग रॉन्ग विद दिस। ये शायद मैं रख लूँ जब मैं फ्लिपकार्ट को रिटर्न करूँ। ये केबल फेक है। हाँ, इस केबल के बारे में एक और चीज़, ये केबल आप प्लीज़, अगर आपको कोई फेक आईफोन मिले, कभी भी अपने कंप्यूटर से ऐसी केबल कनेक्ट मत करिएगा। आप अगर ऑनलाइन सर्च करें OMG केबल टाइप, एक चीज़ होती है, तो ये बताऊं, इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो वायरस डाल सकता है आपके कंप्यूटर में, आपके सारा डेटा चाइना भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है, आप सोच नहीं सकते। एंड एक और चीज़, ये असली लाइटनिंग कनेक्टर नहीं है। इससे मैंने अपने एयरपॉड्स की चार्ज करने की, ये बिल्कुल लगेगा असली, लेकिन ये बिल्कुल भी असली नहीं है, ये बिल्कुल कोई और प्रोप्राइटरी कनेक्टर है, क्योंकि मेरे एयरपॉड्स इससे चार्ज नहीं हो पाए और एक ओरिजिनल आईफोन केबल से ये चार्ज नहीं हो पाया। चलो, एक्सेसरीज बॉक्स हो गई। नेक्स्ट अप हार्डवेयर, स्टेनलेस सील ऑल अराउंड दिस फोन। अगर आप ये नंबर ऑफ होल्स काउंट करेंगे ना, तो ये भी करेक्ट है। यहां पे 6, यहां पे 3, असली आईफोन में तो नहीं होते हैं। बटन काफी अच्छा फील है बटन की। एंटीना बैंड स्टेनलेस स्टील। ये स्लाइडर भी काम करता है अंदर, रेड वो कलर भी है, वाइब्रेट भी होता है जब आप चेंज हटाएं। बैक साइड पे ये दोनों आप देखेंगे तो बिल्कुल डार्क ब्लैक हैं। ये एक एक्चुअल कैमरा है, तो ये बिल्कुल प्लास्टिक एड ऑन हैं, ये भी कुछ नहीं है, बस पता नहीं क्या डार्क टीका लगाया हुआ है। और ये फ्लैश लाइट। स्क्रीन बहुत गंदी रेजोल्यूशन, बहुत बड़ा चिन्ह। तो अगर आप असली आईफोन प्रो का कीनोट आपने देखा होगा, तो आप जानते हैं कि एप्पल ने अपने डिस्प्ले ड्राइवर्स कुछ कर्व करे थे एंड बिल्कुल छोटा सा बेजल दिया था। ये तो बिल्कुल पोको फोन वाला बेजल लग रहा है मुझे, ये आईफोन तो नहीं लग रहा। ओपन करते हैं, लेट्स गेट इनटू द सॉफ्टवेयर। सो आई हैव टू अनलॉक। मैंने आपको काफ़ी कुछ तो दिखा दिया था, जैसे हमारा गूगल मैप्स, और आपको दिखाऊं तो हमने आई बुक्स देखा था। आई बुक्स कैसा चलता है? वैसे बुक्स तो कोई पढ़ता नहीं है, बट ये आई बुक्स तो नहीं है। इस साइड आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग का इशू है, मतलब फॉन्ट फॉन्ट एंड या कोई फेक स्टॉक्स हैं, ऐसा कोई स्टॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऊपर से नीचे पुल करें तो ये सर्च बार भी आता है, काफी अच्छा कीबोर्ड, नो वाइब्रेशन बट काफी अच्छी फील। ऊपर से हम यहां से पुल करें तो ये तक बिल्कुल परफेक्ट है। एक आपको फनी चीज दिखाऊं, आप ये देखिए, ऊपर आप अपने मेरे यहां पे देखते रहिए, सॉरी लिख, फेज ओपन फेज क्लोज,
पता नहीं इसका क्या मतलब है। एंड फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, कैमरा भी ऑन हो जाता है, कैलकुलेटर भी, सब कुछ, ब्राइटनेस कंट्रोल भी काम करता है, फुल ब्राइटनेस कर देते हैं इस LCD पैनल पे। ओ सॉरी। देन और अगर एप्पल के ऑफिशियल ऐप्स देखें, ऐप स्टोर दिखाया था मैंने हल्का सा, बट ये 1+8 रेजोल्यूशन पे तो अलग ही मज़ा होगा। ओ सॉरी, मैंने वाईफाई से कनेक्ट शायद नहीं करा, नहीं करा तो हुआ है। A13 बायोनिक चिप को प्रॉब्लम हो रही है प्रोसेस करने में। चलो छोड़िए, आगे पॉडकास्ट। ये तो मुझे यूट्यूब का लेआउट लग रहा है। एंड नथिंग लोडिंग हेयर, आई गेस ये ही है इनका पॉडकास्ट ऐप। अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये मतलब क्लोज है बिल्कुल, लेकिन असली तो नहीं है किसी भी एंगल से। इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है आईफोन का एनिमेशन। सॉरी गाइस, थोड़ा कंस्ट्रक्शन से आवाज़ आ रही थी, सो लेट्स कंटिन्यू। आगे चलते हैं हम हेल्थ ऐप पे। हेल्थ ऐप काफ़ी क्लोज टू व्हाट इट शुड लुक लाइक, बहुत मेहनत करी है। नॉट नाउ, गेट स्टार्टेड। बताओ भाई मेरी सेहत के बारे में। चलो इसके आगे नहीं चलता ऐप। होम, पता नहीं किसका घर है, मेरा तो नहीं है। वॉलेट, वॉलेट का कार्ड लेआउट इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट इट शुड बी। गलती से भाई, कोई भी गलती से अपना एक्चुअल वॉलेट डिटेल्स मत डाल देना इस ऐप में, बहुत पछताओगे। सेटिंग्स में घुसते हैं, तो अब आप देखिए, कोई बता सकता है यहाँ पे चैट में कि ये फेक फ़ोन है? कोई बता सकता है? मैं बता सकता हूँ। मैं बताऊँ कैसे बता सकता हूँ? बैटरी में चलते हैं, बैटरी यूजेज में चलते हैं। और ये हमारा बैटरी, बैटरी हेल्थ तो डाला था फीचर एप्पल ने, बहुत अच्छा फीचर डाला था। सिमिलरली इट्स कनेक्ट्स टू वाईफाई, ब्लूटूथ, मेरे एयरपॉड से भी कनेक्ट हो गया ये, जो मेरे पास ओरिजिनल हैं काफ़ी सालों से। अदरवाइज अगर मैं आपको अबाउट दिस फ़ोन, किधर होता है अबाउट दिस फोन, जनरल में, ये देखिए ये कह रहा है, ये मॉडल नंबर भी, ये अगर आप सीरियल नंबर डालेंगे तो ये एक आईफोन 11 का है, नॉन प्रो मॉडल आईफोन 11 का, जिसकी वारंटी अभी है, ये 2019 दिसंबर से एक्टिव है सीरियल नंबर। तो भाई दैट्स ऑल्सो देयर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फाइल्स ऐप, काफ़ी ये कलर वलर भी हैं। फाइल्स ऐप इज जस्ट एज इट शुड बी। शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स देखते हैं, ये पता नहीं कौन सा शॉर्टकट है। एंड टिप्स, जस्ट द टिप। एंड वॉच, वॉच तो एप्पल का खुद का ऐप है तो काफ़ी अच्छा होगा। नाइस, स्टार्ट पेयरिंग। फेस गैलरी भी है, काफ़ी सारे फेसेस हैं आप चूज करिए। फिर से कंस्ट्रक्शन, सॉरी। ठीक है, तो ऐप, सॉरी फॉर द डिसकनेक्ट, ऐप हो गया एप्पल वॉच। अब मुद्दे की बात पे आते हैं व्हाट। मैंने ट्राई करा एक नया अकाउंट बना के साइन इन करने की, मुझे इश्यूज आए काफ़ी सारे, एप्पल से भी लॉगिन नहीं कर पाया, गूगल से भी लॉगिन नहीं कर पाया, तो मैं कहीं का नहीं रहा। एंड एक बारी सफारी ब्राउज़र देखते हैं। सफारी ब्राउज़र का ऊपर वाला थोड़ा डिफरेंट है, बट नीचे से बिल्कुल क्लोन, बहुत अच्छी मेहनत करी है किसी ने, तगड़ी मेहनत टू क्लोन दिस आईफोन। मैसेजेस एक आप भेज सकते हैं किसी को अगर आप चाहें। मैं अपना सिम कार्ड डालने से डरता हूँ इसमें, आप भी मत डालिएगा प्लीज़, आपके गूगल में लॉगिन कर देगा ये। इसका म्यूज़िक ऐप इज़ वेरी वेरी ओरिजिनल लुकिंग। ये गाना मैं बजाऊंगा नहीं, पता नहीं कॉपीराइट हो जाएगा क्या हो जाएगा, बट इसके स्पीकर्स बहुत बुरे हैं, मैंने गाना बजा के देखा है। एंड विद दिस आई थिंक हमने अपना सॉफ्टवेयर रिव्यू ख़त्म कर दिया। एक बार आपको मैं कैमरा फिर से दिखाता हूँ। तो ये है हमारा कैमरा 5x 2x, थोड़ा हम स्लोमो में जाने ही नहीं देता, ये स्लोमो में जा ही नहीं सकता, बस मैं वीडियो एंड फोटो ही ले सकता हूँ, पोर्ट्रेट भी नहीं, पोर्ट्रेट जा सकते हैं।
ये एनिमेशन भी बिल्कुल, ओ वाओ वाओ, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। ये भी काफ़ी ओरिजिनल आईफोन, ये स्क्वायर का फॉन्ट जो मैंने मेंशन करा था, काफ़ी वियर्ड फॉन्ट है। आप देखिए काफ़ी वियर्ड फॉन्ट है, ऐसा तो नहीं दिखना चाहिए, पैनोरामिक नहीं चलता। ये मैंने एक फ़ोटो ली थी रैंडम सी, मतलब ये अगर सच बोलो तो काफ़ी अच्छा है, मैं इतना फोटोग्राफी में हूँ नहीं, लेकिन आईफोन 11 प्रो जितना अच्छा तो नहीं होगा। चलो अब हमारा सॉफ्टवेयर रिव्यू ख़त्म होता है इसके साथ। तो हमने तीनों पार्ट्स अपने रिव्यू के कंप्लीट करे, मैंने और आयुष ने थोड़ी डिस्कशन करी एंड रेटिंग दी सारे रिव्यूज को। तो एक्सेसरीज वाइज हम इसे 2 out of 5 देंगे। सच बोला जाए बॉक्स ओरिजिनल था, चार्जर का ब्रेक ओरिजिनल था, एज वेल एज थोड़ा पेपर वर्क और एक स्टिकर भी ओरिजिनल था, तो इसके लिए 2 out of 5। फिजिकल रिव्यू के लिए अगर आप हाथ में इस फोन को नहीं पकड़े तो आप नहीं बता पाएंगे, दूर से कोई आपको कैफे में मिले या फिर कोई आपके ऑफिस में ये फोन लेके आए, आप नहीं बता पाएंगे कि ये फेक फोन है। एंड मतलब बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, हल्का है, बहुत हल्का है, मतलब मेरे पास वेइंग स्केल तो नहीं है क्योंकि मैं डीलर नहीं हूँ, लेकिन बहुत मतलब काफ़ी अच्छा मैंने फिजिकल बिल्ड अपना दिया है, तो आई गिव इट अ 3 out of 5। तो अगर हम सॉफ्टवेयर रिव्यू की बात करें तो आई वुड लाइक टू से कि ब्रो किसी ने बहुत मेहनत करी है इस फोन बनाने में, एंड बहुत क्लोज आए, बहुत क्लोज आई है, एंड थोड़ा सोचा जाए तो बेनिफिट भी है, आपको प्ले स्टोर भी मिल रहा है एंड ऐप स्टोर भी, तो मतलब डबल दी ऐप्स डबल द मजा। बट ओ शिट, मैंने 1 out of 5 दी, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट आई शुड बी गिविंग इट 4 out of 5। सो दैट्स माय रिव्यू। नाउ आई वांट टॉक अबाउट वेयर यू शुड बाय योर आईफोन फ्रॉम। फॉर मी, मैंने काफ़ी महीने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करी, सेविंग्स करी, तब जाके मैंने इकट्ठा मेरा पैसा, सो आई कुड बाय एन आईफोन, एंड मेरे पास ऑप्शंस थे, सेल चल रही है, ऐप स्टोर मुझे, एप्पल स्टोर मुझे फ्री एयरपॉड्स दे रहा था, अमेजोन मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे रहा था, फ्लिपकार्ट तो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा था, हमें पता है क्यों दे रहा था। सो अगर मैं बोलूँ, आप अगर एक, अगर मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक यूट्यूबर है रैफ RAPH के नाम से, उन्होंने मेरी तरह अमेजोन से मंगाया था अपना फ़ोन एंड उनको भी एक फेक फ़ोन मिला सेम एज दिस। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ये आप फ्लिपकार्ट से हो सकता है या अमेजोन से हो सकता है। मैं मानता हूँ कि अमेजोन की कस्टमर सर्विस बहुत बेटर होगी, बहुत ज़्यादा बेटर होगी, लीप्स एंड बाउंड्स है अबाउट फ्लिपकार्ट कैन ऑफर। बट इन माई ओपिनियन आपको तभी फ़ोन खरीदना चाहिए जब आप एप्पल स्टोर से ले पाए अपना फ़ोन। माना कि थोड़ा पैसे ज़्यादा लगेंगे, कुछ नहीं होता, कुछ टाइम वेट कर लीजिए, लेकिन आपको कम से कम जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, आप कम से कम किसी के पीछे नहीं भागोगे। मतलब मैं 3 दिन होने, तीसरा दिन है आज, अभी तक मैं पीछे पड़ा हूँ भाई, मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आई एम लाइक स्टक विद दिस वन। लेट्स होप कि कुछ फ्लिपकार्ट करे, बात तो हो रही है, बातचीत चल रही है, लेट्स होप। फाइनली प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और वीडियो शायद मैं नहीं डालूँ कभी, बट ये लाइक करना प्लीज, थैंक यू।